अगर आपके बच्चे गेम खेल रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपको बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं यह देखना बेहद जरूरी हो गया है अब, क्योंकि तकनीक की इस दुनिया में बच्चों के भोले मन को प्यार से बहलाकर, भ्रमित कर, दबाव डालकर कोई उसे कुछ और ही करने पर मजबूर कर रहा है। गेम के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। जी हां, ऐसे गेम खेलने वाले बच्चों और आरोपियों की चैटिंग वायरल हुई है, जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे बच्चों को नमाज पढ़ने, मुसलमान बनने के लिए उकसाया और धमकाया जा रहा है। देखिए बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट हमारी। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। धर्मांतरण मामले में चैट हुआ वायरल। नमाज पढ़ने के लिए बनाता था दबाव। बच्चों के साथ ये कैसा खेल? जिहादियों का मिशन फेल। देश में कभी लव जिहाद के नाम पर तो कभी धर्मांतरण के नाम पर बड़ा रैकेट चल रहा था कि एक और जिहादी रैकेट ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। धर्म परिवर्तन वाला जिहादी गैंग अब आपके बच्चों पर धर्मांतरण का घटिया गेम खेल रहा है। जो बच्चे मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं, उनके सामने धर्म बदलने को मजबूर कर देने वाला गेम दिया जा रहा है। नमाज पढ़ने, अल्लाह को मानने जैसे काम करने पर जीत की गारंटी बताई जाती है, और ऐसा करने पर वो सच में जीत भी जाता है। जीत के पीछे तकनीक है, लेकिन बच्चे जीतने के लिए लगातार नमाज पढ़ने लगते हैं। इस मामले में अब एक्शन शुरू हो चुका है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में अब नई नई जानकारी सामने आ रही है। आरोपी और कुछ पीड़ितों के बीच हुई चैटिंग अब वायरल हो रही है। इस चैट में जो अब बात सामने आ रही है, उससे हर कोई हैरान है। ऐप यूजर्स को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता था। गाजियाबाद से अब्दुल रहमान गिरफ्तार हो चुका है और मुंबई से शहनवाज उर्फ बद्दू फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच हुए व्हाट्सएप चैट ने जिहादियों की मंशा को सबके सामने ला दिया है। अब्दुल रहमान चैटिंग ग्रुप में बच्चों से धर्म परिवर्तन के लिए कहता था, भड़काऊ वीडियो भेजकर उकसाता था, अल्लाह को याद करने को कहता था, अल्लाह को याद करने के नाम पर डराया धमकाया जाता था, ऐसा नहीं करने पर गुनाह बताता था, एक दिन हिसाब किताब होगा ऐसा कहकर धमकाया जाता था। इतना ही नहीं, चैट में आरोपी की बात मान लेने और आपत्तिजनक वीडियो देखने पर जन्नत मिलने का सपना दिखाया जाता था। आरोपी पीड़ित बच्चों से पूछता था कि आयत की कितने सुरह याद किए, याद क्यों नहीं किया, बहाना नहीं चलेगा। आरोपी कहता है कि नमाज मिस नहीं करनी है, नमाज छोड़ना मतलब तुम नॉन मुस्लिम हो, गंदे लोग हो, जब तक टाइम पर नमाज पढ़ रहे तभी तक तुम मुस्लिम हो। नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए गेमिंग ऐप के जरिए गहरी और सोची समझी साजिश रची जा रही थी, लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। देश की जांच एजेंसी धर्मांतरण के इस जिहादी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गई है।